मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं 9। उसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 127 से। शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। अभी तक हमने जिन बॉक्स की बात करी, क्यूब, क्यूबॉइड, वो क्लोज शेप थे। अब हम ओपन बॉक्सेस के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए ये कुछ नेट दिए हुए हैं, ये ओपन बॉक्स के नेट हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन से जो बॉक्स हैं वो बन पाएंगे, ओपन बॉक्स वो बन पाएंगे। तो दो में आपको बताती हूँ, ठीक है। इन ये दोनों जो नेट हैं, इन दोनों के मैं आपको नेट बना के और बॉक्स बना के आपको दिखाती हूँ कि क्या उनका बॉक्स बनेगा या नहीं, और इन दोनों के आप खुद से घर पर ट्राई करेंगे, ओके। तो देखिए ये मैंने दोनों नेट ड्रॉ किए हैं एक पेपर पे, ये चार्ट पेपर है, इस पे मैंने ड्रॉ किए हैं ये दोनों नेट, ठीक है। अब इन नेट को आप कट कर लेंगे, इनकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इस शेप को पूरा कट कर लेंगे, ओके। तो अब देखिए इन नेट्स को कट करने के बाद ये कुछ हमारे पास इस तरीके की शेप आ गई। अब जो आप देख रहे हैं ब्लैक जो लाइन ड्रॉ है, इन लाइन से इनको फोल्ड करेंगे हम, ठीक है। इन लाइन्स पे इनको फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये हम इस तरीके से इसको हर लाइन पे से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अब देखते हैं कि क्या इसका ओपन बॉक्स बनेगा। ये देखिए एग्जैक्टली इसका ये ओपन बॉक्स हमारा इस तरीके से बनेगा। हम इसके जॉइंट्स पे टेप लगा सकते हैं, सेलो टेप लगा सकते हैं, इसको फिक्स करके हमारा ये एक ओपन बॉक्स बनेगा। यानी कि जो ये वाला नेट है हमारा, इसके थ्रू हम एक ओपन क्यूब का बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको भी देखते हैं कि क्या ये बनेगा ओपन बॉक्स। तो देखते हैं, इसको भी फोल्ड कर देंगे हम इस तरीके से, ये देखिए। तो यस, ये भी हमारा एक ओपन बॉक्स बन गया है। ये देखिए इसको भी आप इसको सेलो टेप से इसको फिक्स कर देंगे तो ये हमारा एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, है ना। देखिए ये 5 फेसेस हैं जिसका एक ओपन बॉक्स हमारा बन गया। सो दो ये मैंने आपको करके दिखाए हैं, इसी तरीके से जो दो नेट्स हैं उनका आप लोग करेंगे। सो इस तरीके से नेट बना के हमें पता चल जाएगा कि किस नेट का ओपन बॉक्स बनेगा, किसका नहीं। तो इन दोनों का मैंने आपको बताया, अब इन दोनों का आप खुद से बनाएंगे और बताएंगे कि क्या उसका ओपन बॉक्स बनेगा या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द अदर शेप्स। इसको आप स्किप कर दीजिए, ओके, इसको आप स्किप कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ मोर शेप्स विच विल नॉट फॉल टू मेक एन ओपन बॉक्स। तो आपको कुछ और शेप्स ड्रॉ करनी है, यानी कि आपको नेट ड्रॉ करने हैं जिससे ओपन बॉक्स नहीं बने। जैसे मैं एक आपको बताती हूँ, एक आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो नेट में जैसे कि होना चाहिए, अगर ओपन बॉक्स है तो 5 फेसेस होने चाहिए, ठीक है। 6 फेसेस होंगे तो क्लोज शेप बनेगा, लेकिन अगर 5 हैं तो ओपन बनेगा। तो देखिए ये 5 मैंने फेसेस बनाए हैं, जिस तरीके से बनाए हैं ये कभी भी एक बॉक्स नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई और शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो एक शेप मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको ओपन बॉक्स बनाना है तो ओपन बॉक्स के लिए आपको 5 फेसेस की नीड होगी और क्लोज के लिए आपको 6 फेसेस की। नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। ऑल बॉक्सेस आर नॉट क्यूब्स, हेयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस, मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विद ए बॉक्स इन टू विच इज विल फोल्ड, ओके। आपको अब जो बॉक्सेस होते हैं वो सिर्फ एक ही तरीके के शेप के या क्यूब के या क्यूबॉइड के नहीं होते, अलग अलग शेप के भी बॉक्सेस होते हैं जो कि इसमें आपको दिए हुए हैं, और ये उनके नेट दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि ये जो नेट है इनको फोल्ड करने के बाद ये कौन सी शेप बनेगी, ठीक है। ट्राई कीजिए, जैसे कि एक मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी है ये। तो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को फोल्ड करके क्या बनेगा, ये सिलेंडर, ठीक है, ये वाली शेप इसकी बनेगी। इसी तरीके से बाकी आप मैच करके देखिए कि कौन सी शेप बनेगी इन नेट्स को फोल्ड करके, ओके। गुड लक।